आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए बुधवार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में 50 छात्राओं ने 21 टोलियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के छात्रों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनमोहक रंगोली बनाई। कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जागरूक मतदाता तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रंगोली प्रतियोगिता में अर्जुन निषाद को प्रथम स्थान, माखन कुमार को द्वितीय स्थान, नीरज गौड़ को तृतीय स्थान और रघुवीर साहनी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रंगोली प्रतियोगिता के विजेता छात्र और प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, अर्जुन निषाद। किस तरह की रंगोली बनाई है? हम ये रंगोली जो बनाए हैं, इसे देखकर हम चाहते हैं कि लोगों को मतलब प्रभावित कुछ हो, ताकि मतलब अपनी सरकार खुद सुन सके और अधिक से अधिक लोगों मिलकर मतदान कर सके मिले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब समझने की कोशिश करें कि हम अगर 18 साल हो गए हैं तो अपना मतलब वोट देने का अधिकार उनको मिल सकता है। थैंक यू। शासन के मंशा के अनुरूप मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज 17 अप्रैल को रंगोली प्रतियोगिता विभिन्न विद्यालयों पर आयोजित की गई। उसी तारतम्य में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में भी ये रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 21 टीम बना करके जिस रंगोली प्रतियोगिता को अभी आप देख रहे हैं बगल में, इसमें आज के रंगोली प्रतियोगिता का जो परिणाम रहा, अर्जुन निषाद प्रथम स्थान प्राप्त किए, साजन कुमार द्वितीय स्थान और नीरज गौड़ तृतीय स्थान प्राप्त किए और रघुवीर साहनी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इन बच्चों को फिर आगे मंडल लेवल पर प्रतिभाग कराया जाएगा और इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।